मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी डू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स क्लास फोर्थ एक्सरसाइज 7.8 सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही जैसे हमने अब तक एडिशन सीखा है, बिल्कुल वैसे ही हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। देखिए, फर्स्ट है 5/6 माइनस 31/42। अब देखो डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल तो नहीं है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 42 आएगा। किस नंबर से? 7 से। तो 6 7 42। अगर हम डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, चलिए नोटबुक में करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/6 माइनस 31/42। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें 5/6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर कर रहे हैं तो हमें न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे हमारा 42 बन रहा है डिनोमिनेटर में, इसलिए हमें इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 5 7 35 6 7 42 माइनस 31/42। दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं तो हम नीचे 42 लिखेंगे और 35 माइनस 31। तो 35 माइनस 31, 5 माइनस 1 4, 42। अब देखिए दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से कट रहे हैं ना, 4 भी कट जाएगा और 42 भी। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखो 2 और 21 नहीं कटेंगे तो हमारा 2/21 आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1/2 माइनस 1/24। तो 2 को हम 24 बना सकते हैं, यस। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 माइनस 1/24। दोनों में सिंगल टाइम लिखेंगे 24, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/24। दोनों किसी सिंगल टेबल पर कट हो रहे हैं, नहीं, तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 15/16 माइनस 1/8। तो देखिए हम 8 को 16 बना सकते हैं, यस। तो 15/16 माइनस 1/8, 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो हमें न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो 15/16 माइनस 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16। तो 16 हमारा कॉमन आ जाएगा, 15 माइनस 2, दैट इज़ 13/16। दोनों किसी सिंगल टेबल पर नहीं कट रहे हैं तो 13/16 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 9/13 माइनस 11/26। 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर को करेंगे तो हम न्यूमिनेटर को भी करेंगे, तो इधर हमारा 26 डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसलिए इधर हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 9 2 ज़ा 18, 13 2 ज़ा 26 माइनस 11/26। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो 1 टाइम लिखेंगे और 18 माइनस 11, 7/26। तो 7/26 हमारा क्या जाएगा आंसर। ऐसे ही 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 5th 6th क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट है 7/10 माइनस 0 इज इक्वल टू डैश। क्या आएगा देखिए, हमें पता है जैसे हम किसी नंबर में से 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है। ऐसे ही हमारा फ्रैक्शंस नंबर है, अगर 7/10 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 7/10 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर हम 1 माइनस 1 को सेम डिजिट होता है 1 माइनस 1, अगर यहाँ पर 1 है और 1 में से हम 1 को ही माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0। अगर हम सेम नंबर्स को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, 0। तो ऐसे ही हमारा फ्रैक्शंस में भी है। मान लीजिए 11/15 को हम में से हम 11/15 ही माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही हम बुक में करेंगे। देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 7/10 माइनस 0, तो 7/10 ही हमारा आंसर आएगा।
थर्टीन बाय एट माइनस ज़ीरो, तो हमारा आंसर 13/8 ही आएगा। 4/9 माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 4/9 ही आएगा। 5/9 माइनस 5/9, सेम फ्रैक्शंस हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। 11/15 माइनस 11/15, तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। 21/31 माइनस 21/31, तो सेम फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। आई होप आपको 7.8 समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।